40 प्लस का जो स्ट्रैटेजी है जैट में, 40 प्लस कोर का जो स्ट्रैटेजी है जैट में, वो बहुत क्लियर है। उसमें क्लैरिटी ये है कि तुम 35 क्लियर आंसर्स अगर ला सकते हो, इफ यू कैन फाइंड 35 क्लियर आंसर्स एंड इफ यू कैन फाइंड 25 टू ऑप्शन आंसर्स, कि आई एम नॉट श्योर बिटवीन टू ऑप्शंस बट आई नो दैट वन ऑफ दीज टू हैज टू बी करेक्ट एंड देन यू लीव द अदर 15 क्वेश्चंस, यू डोंट रीच द अदर 15 क्वेश्चंस। इफ यू रीच दिस पॉइंट 35 क्लियर आंसर्स की, ओके आई एम श्योर ऑफ दिस आंसर, तो व्हाट विल हैपन इस 35 श्योर आंसर्स में तुमको 90% एक्यूरेसी अप्रॉक्सिमेटली अचीव होगा, बिकॉज यू विल मेक मिस्टेक्स लाइक 2+2 = 5 कर दिया, मिसरीड कर दिया क्वेश्चन को, सब होने वाला है जैट में भी। सो यू कैन एस्टिमेट 90% एक्यूरेसी हियर। और जहां पे तुम 50-50 हो या 60-40 पे मार्क कर रहे हो बिटवीन टू ऑप्शंस, उसमें ऑन एन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट, ऑन अ डिसेंट डे यू कैन एक्सपेक्ट कि 12 क्वेश्चन राइट आएंगे या 10 क्वेश्चन तो राइट आएंगे मेरे, और 15 क्वेश्चन रॉन्ग आएंगे। तो अगर 10 राइट और 15 रॉन्ग आ रहे हैं तो ये मेरे को +10 -0.25 मार्क्स नेगेटिव है, सो 3.75, सो 6 मार्क्स ही एक्स्ट्रा दे रहा है तुमको, 6 मार्क्स एक्स्ट्रा दे रहा है। तो यू आर स्कोरिंग 31-32 क्वेश्चंस करेक्ट है, 3 मिस्टेक्स, सो 31-32 यहाँ स्कोर कर रहे हो तुम। एंड इफ यू कैन फाइंड 25 क्वेश्चंस वेयर यू आर 50-50 श्योर, इफ यू आर 50-50 श्योर, तो इसको तुम ट्राई करो कि एक ऑप्शन पे जिस पे जा रहे हो उसको एटलीस्ट 60% या 70% श्योर करो। तो अगर वैसा करके तुम उस ऑप्शन पे जा रहे हो तो ऑन अ बैड डे यू विल गेट 10 करेक्ट, राइट? ऐसा तो नहीं होगा कि 25 के 25 रॉन्ग आएंगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि 25 के 25 राइट आएंगे, दोनों नहीं होगा, तो बीच का कहीं पे आएगा तुमको। सो योर एक्सपेक्टेड स्कोर हेयर विल बी +10 -3.75, 6.25 मार्क्स बढ़ जाएगा तुम्हारा। सो ये 31-32 यहाँ पे आ रहा है और 6 मार्क्स बढ़ जा रहा है, तो यू आर ऑलमोस्ट एट 40। एंड ऑन अ गुड डे इफ योर जजमेंट्स अबाउट मेकिंग दिस 50-50 चॉइसेस इनटू 70-30 चॉइसेस आर गुड, यू विल एक्सपेक्ट अराउंड 14-15 राइट हेयर, एंड 15 राइट में तुम 40 प्लस क्रॉस कर जाओ।